हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, मैं 2-3 दिन 4 दिन से आपको बोलते हुए मार्केट यहां पे रेंज में है, मार्केट यहां पे रेंज में कर रहा है। यहां पे देखिए, यहां पे एक चैनल फॉलो किया था, यहां पे एक चैनल फॉलो कर दिया, वापस यहां पे एक रेंज बनाया, यहां पे एक रेंज बनाया। तो मार्केट यहाँ पर रेंज के अंदर है, आपको बहुत कम पॉइंट्स देने वाला है। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि यहाँ पे निफ्टी पे थोड़ा समझ के आप ट्रेड कीजिए। ऊपर के साइड में आपका व्यू होना चाहिए, नीचे के साइड में ज़्यादा व्यू नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे अगर मिलते हैं तो आप ले सकते हो। देखिए, यहाँ पे ओपन होने के बाद निफ्टी ने यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म किया था। इस वाले ट्रायंगल का ब्रेकआउट देने के बाद नीचे के साइड में ये वाले रेजिस्टेंस के एक सपोर्ट का काम किया, और यहाँ पे एक वापस एक बार रेंज बनाने के बाद यहाँ से जब निकला निफ्टी, तो वापस इस वाले सपोर्ट पे यहाँ पे आके जाके सपोर्ट ले लिया। क्योंकि मैं आपको बोलते आ रहा हूँ, यहाँ पे बायर डीप है मार्केट, इसको बायर के कंट्रोल में है, तो बायर जैसे डीप मिलेगा उसको बाय कर लेंगे। यहाँ पे आप ज़्यादा उम्मीद मत रखिए कि यहाँ से 400-200 पॉइंट गिर जाएगा, तो मार्केट ऐसे काम नहीं करेगा। मार्केट के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो देखिए, हम लोग ने यहाँ पे एक गैप अप लिया, BTST पोजीशन लिया था। जो भी लर्निंग ग्रुप में ज्वाइंट है उनको मालूम रहेगा, BTST पोजीशन वहाँ पे दिया हुआ था। तो देखिए, यहाँ से है ना, एक हो सकता है कल के लिए मार्केट के लिए आपको देखना पड़ेगा, ये वाला एक रेजिस्टेंस है, ये वाले ट्रेंड लाइन जो है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट के लिए। कल जैसे ही मार्केट ओपन, अगर इस वाले ट्रेंड लाइन के अंदर ये जो ट्रायंगल बनाए जाते थे मार्केट में, ये वाला छोटा सा एक ट्रायंगल बना दिया, यहाँ से ऊपर से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इसको अगर मान लीजिए यहाँ कहीं पे ओपन के ऊपर साइड में ब्रेकआउट करेगा, तो इस वाले रेजिस्टेंस तक उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता के या फिर इसको रिटेस्ट करके ऊपर साइड में मोमेंटम आ सकता है। लेकिन देखिए, निफ्टी अगर मान लीजिए इस वाले रेंज के अंदर ही ओपन होना चाहिए, रेंज के अंदर ओपन होकर रेंज बन के इस वाले सपोर्ट को भी ब्रेक करेगा, तो ये वाले सपोर्ट तक एक छोटा सा मोमेंटम आ सकता है। उसके बाद वापस इस वाले जगह पे सपोर्ट यहाँ पे लेके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है क्योंकि मार्केट यहाँ पे नीचे भी ब्रेकडाउन करेगा, तो यहाँ से ही उसको बायर कंट्रोल कर लेंगे, तो यहाँ पे ऊपर भी चला जा सकता है। तो आपको नीचे के साइड में ट्रेड लेने के लिए आप बहुत क्वांटिटी कम करके आप नीचे के साइड में ट्रेड करना है। ऊपर के साइड में लेना रहेगा तो आप छोटा क्वांटिटी ज़्यादा ले सकते हो। अगर मान लीजिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होकर वापस भी ऊपर के साइड में जाने के लिए मोमेंटम करता है, तो आप बिंदास प्ले कर सकते हो ऊपर के साइड में। नीचे के साइड में थोड़ा टेंशन है, तो आपको ये वाला सपोर्ट भी है, नीचे के साइड में भी सपोर्ट है, तो आपको ज़्यादा मूवमेंट मिलने वाला नहीं है। तो नीचे के साइड में छोटी सी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करो, ऊपर के साइड में आप छोटा सा क्वांटिटी ज़्यादा रख सकते हो, लेकिन आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जितना आपका कैपिटल है उसमें से 10-20% से आप ट्रेड करोगे, उसमें 10-20% का लॉस लोगे, तो टोटल आपके कैपिटल के अंदर आपको 3-4% का ही लॉस हो जाएगा। तो आपका ज़्यादा कुछ नहीं होने, आप अगर 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो आपका 4-5 हज़ार जाएगा, आपको कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन आप 20-30 हज़ार से ट्रेड कर रहे हो तो आपका यहाँ पे 2-3 हज़ार रुपये भी चला जाएगा ना, तो भी आपको बहुत दुख होगा। तो एकदम रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके छोटे मोटे लॉट्स के साथ में काम कीजिए, कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कीजिए। सेंसेक्स है, सेंसेक्स में 10 का लॉट है, तो वहाँ पे जाके काम कीजिए, कम पैसे में आपका काम हो जाएगा, आपको सीखने मिलेगा। आप ज़्यादा क्वांटिटी के साथ में अगर निफ्टी में आओगे 50 क्वांटिटी ले लोगे, फिर निफ्टी जब मिड कैप में जाके 75% क्वांटिटी लेगो, तो आपको नहीं जमने वाला है। क्योंकि आपको ट्रेडर हो यार, आपको सीख रहे हो, तो आपको छोटी मोटी क्वांटिटी के साथ में ही पहले ट्रेड करना चाहिए। तो छोटी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कीजिए, जब मार्केट बड़ा मूवमेंट करेगा तब हमारे लिए क्वांटिटी होना चाहिए। मेरे को जो डेली फॉलो करते हैं उनको मालूम रहेगा मैं किस तरीके से क्वांटिटी प्लानिंग करता हूँ। देखिए, आपको फ्री टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे मैं ऐसे एनालिसिस डालते रहता हूँ, कभी कभार कॉल भी डालता तो कॉल भी हिट हो जाते हैं, आप जाके देख सकते हो। फ्री में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो, बैकटेस्ट भी कर सकते हो, हमारे कैसे कॉल्स रहते हैं क्या रहते हैं आप देख सकते हो। तो ऐसे एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारा प्रीमियम कोर्स ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ऐसे एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।